अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम जो सीखने वाले हैं उसे अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से बुलाया जाता होगा और ज़्यादातर इस सब्ज़ी को ना लोग जानते ही नहीं होंगे क्योंकि ये इसे कोई ज़्यादा खाना पसंद नहीं करता, लेकिन ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है और टेस्टी भी बनती है। तो आज मैं आपको इजी तरीका बताऊंगी जिससे आप ये सब्ज़ी खाते नहीं होंगे तो भी आप मेरे तरीके से सीखेंगे तो इसे आप खाना सीख जाओगे। तो आज मैं बात कर रही हूँ करडई की भाजी की, जिसके पत्ते नोकीले होते हैं और ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए, इसे कहते हैं करडई की भाजी। तो ना इसे बाज़ार से ख़रीदते वक्त ना बहुत ही ज़्यादा लंबे लंबे वाले पत्ते होते हैं ना, वो नहीं ख़रीदने हैं। हम छोटे वाले पत्ते होंगे ना वही ख़रीदेंगे और फ्रेश वाली। तो देखिए, इसके डंठल भी ना काफ़ी मोटे होते हैं, इसीलिए हमें सिर्फ इसके पत्ते लेने होते हैं। इस तरह से डंठल का इस्तेमाल यहाँ पर ज़्यादा नहीं किया जाता, भले ही हम इसकी सब्ज़ी बड़े पत्ते वाली ले या फिर छोटे पत्ते वाली। तो इस तरह से हम इसे सभी भाजी को साफ़ करके लेंगे अच्छे से। तो देखिए, सभी भाजी को मैंने अच्छे से साफ़ करके ले लिया है और इसे अब हम धो कर लेंगे। कट करने के पहले धोएंगे तो उसके पोषण तत्व बने रहते हैं, नहीं तो उसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं अगर हम कट करने के बाद धोएंगे। तो इसे अच्छे से साफ़ करके लेंगे। आप चाहे तो इसे नमक के पानी से धोइए ताकि उसमें की जो भी धूल मिट्टी होगी वो आसानी से चले जाएगी, साथ में पत्ते फ्रेश भी हो जाएंगे। अब दूसरी तरफ इसे बनाने की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और 2 हरी मिर्च। आपको जितना तीखा चाहिए उस हिसाब से आप ले सकते हैं, लेकिन एक बंच के लिए यहाँ पर ज़्यादा तीखी मिर्ची नहीं होगी तो हम यहाँ पे 2 का इस्तेमाल करेंगे और इसे तोड़ कर डालेंगे। ये करडई की भाजी है जो पित्तनाशक है और ये थोड़ी तीखी ही अच्छी लगती है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1/4 चम्मच नमक। नमक का इस्तेमाल हमेशा की तरह हम यहाँ पे थोड़ा कम करेंगे, बाद में ज़रूरत होगी तो बनाते वक्त करेंगे, लेकिन मेरे इस अंदाज़ की वजह से आपको बाद में नमक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, इस तरह से दलदला पेस्ट करके लेना है हमें। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो भाजी धोकर रखी थी छन्नी के अंदर, तो उसके अंदर का जो भी एक्स्ट्रा पानी था वो निकल चुका है। अब इसे हम कट करेंगे। कट करने के लिए 1 मुठ हम भाजी लेंगे, उसके बाद इसे इस तरह से चीरा लगाएंगे। इसे हमें बहुत ही बारीक कट करके लेना है। ध्यान रखिए, हाथ कट ना जाए इस बात का ध्यान रखते हुए अच्छे से हमें इसे कट करके लेना है। जल्दबाजी में अगर हम इसके पत्ते मोटे रखेंगे तो ये उतनी स्वादिष्ट नहीं बनेगी, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जितना इसे हम फाइन कट करेंगे उतनी इसकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि पहले से ही इसके पत्ते बहुत ठीक हैं। इस वजह से अगर इसे फिर से मोटा कट करेंगे तो इसका स्वाद चला जाएगा, उतना खास टेस्ट नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए इसे हम बारीक कट करके लेंगे। मेरे आप छोटी छोटी टिप्स फॉलो कीजिए ताकि आपको खाना बनाना सीखते वक्त बहुत ही आसानी से आप सीख सकें। अगर आप बीच बीच में इसे स्किप करेंगे तो आप ज़रूरी बात जो है कि वो आपको समझ में नहीं आएंगी, फिर बाद में आप कमेंट करोगे कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। तो देखिए, इस तरह से इसे अलग पलट कर हमें कट करके लेना है ताकि इसके पत्ते आसानी से बारीक कट जाए। तो देखिए किस तरह से मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके लिया है, इसी तरह से इस पत्तों को कट करके लेना है। तो सभी तरह से मैंने इसे कट करके ले लिया है। चलते हैं इसे बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई गर्म होते ही मैंने यहाँ पे 1 चम्मच तेल डाल दिया है और 1 बड़े साइज़ की प्याज को मैंने बारीक कट करके उस गर्म तेल में डाल दिया है। और यहाँ पे गैस की फ्लेम हमारी लो है, लो पे ही हमें बस हल्का सा गुलाबी कलर प्याज को देना है। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और उसके बाद यहाँ पे जो हमने मिर्च और लहसुन का जो दलदला पेस्ट किया था नमक के साथ वो इसमें डालेंगे और इसे भी थोड़ा सा ही भून कर लेंगे हम, ज़्यादा इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। तो देखिए, इसे हल्का सा इसमें स्मेल आने लगेगा, खुशबू आने लगेगी और साथ में थोड़ा सा कलर चेंज होगा। उसके बाद हम जो भाजी को हमने कट करके लिया है वो डालेंगे और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करके लेंगे। जैसे ही हम कढ़ाई में भाजी डालते हैं उसी वक्त हमें गैस की फ्लेम हाई पे करनी है ताकि ये भाजी ना अच्छे से सब मिक्स हो जाए और उसका नेचुरल जो भी पानी है वो निकल जाए। तो देखिए, इस तरह से इसका नेचुरल पानी निकला हुआ है, लेकिन मैंने दूसरे भाजियों में बताया है कि यहाँ पे नेचुरल पानी निकलने के बाद यहाँ पे दूसरा मैं पानी यूज़ नहीं करती, लेकिन करडई के सब्ज़ी में ना हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मैं मसूर की दाल डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच और यहाँ पे मैं 1/2 कप पानी डाल रही हूँ, क्योंकि करडई के जो पत्ते हैं वो ठीक होते हैं, हार्ड होते हैं, उसी वजह से इसमें यहाँ पर एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत होती है। तो मैं यहाँ पे पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अगर आप यहाँ पे मसूर की दाल की जगह कोई और भी दाल डालेंगे तो भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छे से आता है।
तो अब इसे अच्छे से मिक्स करके लेंगे। अगर आप अब ना इसे इसका पानी पूरा ख़त्म होने तक हमें इसे ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे पकाना है। ध्यान रखिए इसके ऊपर ढक्कन बिल्कुल भी नहीं लगाना है, नहीं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और टेस्ट भी ख़राब होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे 5 से 7 मिनट बाद इसे चेक कर रही हूँ, तो इसका पूरा तरह से पानी ख़त्म हुआ है। और 1 मिनट के लिए हम गैस की फ्लेम लो पे करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसका बचा हुआ एक्स्ट्रा पानी जो भी होगा वो भी निकल आएगा। तो देखिए इसमें का पानी पूरी तरह से ख़त्म हुआ है। अब हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे और इसे रोटी के साथ चपाती के साथ सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो में ज़रा सा भी कुछ सीखने को मिला होगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को क्लिक करके ऑल पे भी क्लिक कीजिए।